जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस के प्रश्नावली 9.4 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोगों को व्यापक हल ज्ञात करना है। व्यापक हल का मतलब जिसमें कांस्टेंट सी रहता है उसी को व्यापक हल कहते हैं, और जिसमें कांस्टेंट सी की वैल्यू निकाल करके रख दिया जाता है उसको हम जो है विशिष्ट हल कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू साइन इनवर्स एक्स। हम डी एक्स, हमने बताया था कि x को dx की तरफ, y को dy की तरफ, यहाँ केवल एक ही x है इसलिए dx उसके तरफ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू, ये हो गया साइन इनवर्स x और इंटू हो जाएगा dx। अब हम जो है दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ध्यानपूर्वक देखें, अब चूंकि ये साइन इनवर्स एक्स है और साइन इनवर्स एक्स का समाकलन आपको मालूम नहीं है तो इसलिए इसमें हम वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आवे जिनका आपको समाकलन ज्ञात करना है, उसका अवकलन मालूम है लेकिन उसका समाकलन नहीं मालूम है, तो वन में मल्टीप्लाई करते हैं और वन को हमेशा द्वितीय फलन मानते हैं, ये याद रखे रहिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन जब हम समाकलन आपको बताए थे तो वहाँ हम बताए थे आपको। तो चलिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो यहाँ तो चलिए अभी लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका डी वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू वन कर देते हैं और फिर ये हो जाएगा डी एक्स। और फिर देखें साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन और वन को हम मान लेंगे सेकंड फंक्शन। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो वन है, तो वन का जो इंटीग्रेशन होगा ये वाई हो जाएगा। और फिर यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं प्रथम फलन, तो प्रथम फलन हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, दूसरे का समाकलन, वन का समाकलन होता है एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन साइन इनवर्स यक्स का अवकलन। तो साइन इनवर्स यक्स का अवकलन होता है वन अपान अंडर रूट वन माइनस यक्स स्क्वायर, और फिर दूसरे का समाकलन यानी वन का समाकलन, तो वन का समाकलन करेंगे तो यक्स हो जाएगा। तो वन में अगर हम यक्स का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा यक्स और फिर हो जाएगा डी एक्स। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर वन माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी स्क्वायर मान ले तो चलिए इसका अवकलन निकालते हैं, तो वन का जीरो हो जाएगा और माइनस हो जाएगा टू एक्स, एक्स का डी एक्स हो जाएगा और टी स्क्वायर का हो जाएगा टू टी और फिर ये हो जाएगा डी टी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। और इस प्रकार यहाँ देख रहे हैं एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस टी डी टी। और फिर चलिए अब हम यहाँ पे रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो वाई इज इक्वल टू एक्स हम पहले लिख देते हैं और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स के जगह पे माइनस टी डी टी, तो ये हो जाएगा प्लस टी डी टी। और ये देखिए अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का वर्गमूल ले लीजिए, टी स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा टी और फिर ये प्लस कांस्टेंट सी, टी से टी कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका वाई इजकल टू यक्स साइन इनवर्स यक्स प्लस, यहाँ वन, वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी प्लस कांस्टेंट सी, अब टी की वैल्यू यहाँ से हम निकाल करके इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा वाई इजकल टू यक्स साइन इनवर्स यक्स और टी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको? हाँ, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए 11 को शुरू करने से पहले यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इस इंस्ट्रक्शन को देख लिया जाए। 11 से 14 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो जब विशिष्ट हल ज्ञात करना होता है तो उसमें सी नहीं होता है, सी की वैल्यू निकाल करके उसमें रखी जाती है, ये याद रखे रहिएगा। व्यापक हल में सी रहता है, विशिष्ट हल में सी नहीं रहता है। तो चलिए दिया क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन। देखिए बुक में ये साफ नहीं है, ये सही है ना, यही चीज है ना। अब ये हो जाएगा आपका यहाँ डी वाई बाई डी यक्स, ये इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है टू यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, बुक में सही प्रिंट नहीं हुआ है, टू यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। और फिर आपको दिया हुआ है यहाँ जो स्पेशल कंडीशन दी हुई है वो दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 यदि x इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, अब हम लोगों को इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, इसका विशिष्ट हल निकालना है। तो विशिष्ट हल कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। लेकिन सबसे पहला काम तो यही होगा कि x को हम लोग एक तरफ करेंगे, माने x को dx की तरफ करेंगे, y को dy की तरफ करेंगे। यहाँ पर केवल dy देख रहे हैं, अन्य कहीं y है नहीं। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर पहले dy by dx is equal to, देखिए क्या हो जाएगा 2x square plus x। और नीचे जो आप देख रहे हैं ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, हम लोगों को इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए डीएक्स का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखें डीएक्स का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा। अब हमको दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। लेकिन देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोगों को पहले तो इसका हमको ये कॉमन ले करके इसका गुणनखंड करना होगा, और गुणनखंड करने के बाद फिर इसको आंशिक भिन्न पे तोड़ना होगा, और आंशिक भिन्न पे तोड़ करके तब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर यहाँ एक स्टेप और हम लिख देते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1dy इज इक्वल टू, हम देखिए इसको रफ वर्क में हम कर लेते हैं। अगर यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन ले लें तो x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वन मिलेगा, ये हो गया आपका x प्लस वन। और यहाँ से अगर हम 1 कॉमन ले लें तो ये भी हो जाएगा आपका x प्लस वन। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा ये आपका इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन, ये हो जाएगा x प्लस वन और x स्क्वायर प्लस वन dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने से पहले हम लोगों को आंशिक भिन्न पे तोड़ना होगा। चलिए आंशिक भिन्न पर तोड़ने वाला काम हम अलग से कर लेते हैं, ये एक तरह से रफ कार्य ही हम लोग करेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन, यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस वन अपॉन x स्क्वायर प्लस वन। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं आंशिक भिन्न पे तोड़ने का मेथड हमने आपको बताया था पिछले एक्सरसाइज समाकलन में, ये हो जाएगा आपका a अपॉन x प्लस वन, लेकिन यहाँ अंदर स्क्वायर है तो bx एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका bx एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हम लोग रफ वर्क कर रहे हैं, रफ वर्क कर लीजिए, या इसको हम क्वेश्चन का पार्ट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन का पार्ट करके सॉल्व करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस x और अपॉन ये है आपका x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं हम, तो एलसीएम ले लेंगे x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो x प्लस वन से भाग दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसके बाद हम एक्स स्क्वायर प्लस वन से भाग देंगे तो एक्स प्लस वन बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, इसका हम कर देते हैं अंदर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करने पर देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, और फिर इसका हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं बी एक्स का, तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, फिर सी का मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स प्लस सी हो जाएगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए, कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ना हो। अब ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, एक्स स्क्वायर को हम एक जगह कर लेते हैं, और इसमें से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद देखें एक्स को एक जगह ले लेते हैं, एक्स यहाँ या और यहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका बी प्लस सी एक्स, और फिर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को हम एक जगह कर लें तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका ए प्लस सी। चलिए सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है वो ए प्लस बी है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है वो आप देख रहे हैं टू है, और इसके बाद देखें यहाँ पर एक्स का जो कॉफिशियंट है वो है बी प्लस सी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स का कॉफिशियंट है वन, और यहाँ कॉन्स्टेंट जो है ए प्लस सी है, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ ए प्लस सी है, इधर कॉन्स्टेंट है नहीं है तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a के जगह पे माइनस सी रख सकते हैं, और चलिए a के जगह पे माइनस सी हम यहाँ कर देते हैं, ये जो पहला इक्वेशन निकला है, तो देखिए b और a के जगह पे माइनस सी इजक्ल टू टू, और फिर ये देखिए b प्लस सी है, तो ये हो जाएगा आपका b प्लस सी इज इक्वल टू वन। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ c से c कैंसिल हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू मिल जाएगा 3, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई टू। अब b की वैल्यू हम रख लेते हैं, किसी में रख लेते हैं तो a की वैल्यू निकल जाएगी, तो चलिए b की वैल्यू हम यहीं पर रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a, और b की वैल्यू है 3 बाई टू इजक्ल टू टू, और फिर सॉल्व करेंगे तो a इजक्ल टू टू माइनस 3 बाई टू क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 माइनस 3 ये हो जाएगा आपका 1 बाई टू हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो गई 1 बाई टू, और अगर c की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू माइनस a हो जाएगी, तो ये हो जाएगा c की वैल्यू माइनस a, यानी ये हो जाएगा माइनस 1 बाई टू। तो अब जो है a की वैल्यू हो गई 1 बाई टू, सी की वैल्यू हो गई माइनस 1 बाई टू, और b की वैल्यू 3 बाई टू रख देते हैं यहाँ पर। चलिए तो a के जगह पे हम रख देते हैं 1 बाई टू, बी की वैल्यू है 3 बाई टू, यहाँ रख देते हैं 3 बाई टू, और c के जगह पे हम रख लेते हैं माइनस 1 बाई टू। चलिए अब इसको हम यहाँ सेपरेट करके लिख रहे हैं अलग अलग, फिर ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1dy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखें सेपरेट करके लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 1 बाई टू इंटीग्रेशन 1 upon x + 1 dx हो जाएगा, और फिर अगर यहाँ से हम चाहें तो 1 बाई टू, या ऐसा करते हैं ना, इसे अलग अलग हम डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड करेंगे तभी हो पाएगा, एक साथ नहीं हो पाएगा, तो प्लस यहाँ हम कर देते हैं 3 बाई टू, देखिए 3 बाई टू को पहले हम लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा x upon x² + 1 dx, और फिर माइनस 1 बाई टू है, इसको भी हम कर लेते हैं माइनस 1 बाई टू, और फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 upon हो जाएगा x² + 1 लिखिए, या 1 + x² dx जो चाहें आप लिख दें। तो अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसका हमको अवकल समीकरण मिल जाएगा। चलिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको आगे देख रहे हैं। तो अब देखें यहां पर x प्लस वन को t मान लें, यहां एक्स स्क्वायर प्लस वन को भी कुछ मान लें, तो चलिए अगर x प्लस वन को हम t मान लें
तो यहाँ अवकलन ले लीजिए, डी एक्स इजकल टू हो जाएगा डी टी। और यहाँ अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम टी मान लें तो टी न मान करके कुछ दूसरा टी डैस मान लेते हैं, तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स डी एक्स इजकल टू हो जाएगा टी टी डैस। लेकिन हमारे पास यक्स डी एक्स है तो इस टू को हम चाहें तो राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका वन बाई टू। अब हम सीधे रख करके सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन डी वाई इजकल टू वन बाई टू, और यहाँ एक्स प्लस वन के जगह पे टी रख देंगे तो ये हो गया आपका वन अपॉन टी डी टी, और प्लस हो गया ये आपका थ्री बाई टू यक्स डी एक्स के जगह पे हो जाएगा वन बाई टू। तो ये हो गया आपका वन बाई टू इंटीग्रेशन, देखिए यक्स डी एक्स के जगह पे वन बाई टू डी टी डैश, और यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन टी डैश डी टी डैश, और फिर ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसको सीधे फार्मूले पर रख करके सॉल्व कर लेंगे तो वन का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, और ये हो गया आपका वन बाई टू, वन बाई टी का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है आपका लॉग टी, और प्लस हो जाएगा आपका थ्री बाई फोर वन अपॉन टी डैश का जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा लॉग टी डैश, और माइनस हो गया वन बाई टू और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स होता है तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स, और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा सी। तो देखिए एक काम हम करते हैं, यहाँ पर आप सी जोड़ सकते हैं और चाहे तो लॉग सी भी जोड़ सकते हैं, लेकिन चलिए हम सी ही रहने दे रहे हैं। अब वैल्यू रख लेते हैं सबकी, तो ये हो जाएगा आपका वाई इजकल टू वन बाई टू लॉग टी के जगह पे हो जाएगा एक्स प्लस वन, और प्लस हो गया ये आपका थ्री बाई फोर लॉग टी डैश के जगह पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, और माइनस हो गया आपका वन बाई टू, और फिर ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो अगर व्यापक हल ज्ञात करना होता तो व्यापक हल हम लोगों का ज्ञात हो गया है, लेकिन हम लोगों को विशिष्ट हल ज्ञात करना है, तो विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए यक्स के जगह पे जीरो और वाई के जगह पे हम वन कर देंगे। चलिए वाई के जगह पे यहाँ वन कर दिए, ये हो गया आपका वन बाई टू लॉग यक्स के जगह पर यक्स के जगह पे जीरो रख रहे हैं तो लॉग वन हो जाएगा, और फिर यहाँ आ जाइए ये हो गया आपका थ्री बाई टू लॉग एक्स के जगह पे वन रख रहे हैं तो वन प्लस वन लॉग टू हो जाएगा, और फिर माइनस ये हो गया वन बाई टू यक्स के जगह पे जीरो रखना है तो यक्स सॉरी एक्स के जगह पे जीरो रखना है, देखिए यहाँ यक्स के जगह पे जीरो रखना है, गलत हो गया है, तो यक्स के जगह पे जीरो रखना है तो ये वन होगा, यक्स के जगह पे जीरो रखना है तो ये भी वन होगा, टू नहीं होगा ये वन होगा, और माइनस वन बाई टू, और ये है आपका टेन इनवर्स यक्स के जगह पे जीरो तो यक्स के जगह पे जीरो तो ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस हो गया सी। अब देखिए आपने लॉग वन की वैल्यू जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ भी लॉग वन की वैल्यू जीरो ये भी जीरो, यानी सी की वैल्यू आपको निकल के आ रही है सी इजकल टू वन हो जाएगा। एक बात हम आपको और बता देते हैं, इसको ध्यान में रखे रहिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सी ही जोड़ेंगे, कभी कभार ऐसा होता है कि सब लॉग के रूप में आया है तो सी के जगह पे हम लॉग सी भी कर देते हैं, तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट के जगह पे सी रखें तब लॉग सी रखें तब किसी भी फॉर्म में रखेंगे तो आपका जो सोल्यूशन होगा सोल्यूशन गलत नहीं होगा, भले आपका आंसर मिले या ना मिले वो सोल्यूशन आपका सही होता है। चलिए अब सी के जगह पे हम यहाँ वन रख देंगे तो ये हो गया वाई इजकल टू, यहाँ हम आंसर लिख देते हैं वाई इजकल टू, ये हो गया आपका वन बाई टू लॉग, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वन, और प्लस हो जाएगा आपका थ्री बाई फोर लॉग
ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस हो गया वन बाई टू टेन इनवर्स यक्स और प्लस सी के जगह पे वन हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, चलिए अच्छा अब देखें हम चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं, हम लोग का सोल्यूशन निकल चुका है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और सही तरीके से हम करना चाहें तो देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए क्योंकि लाग यहाँ भी है, लाग यहाँ भी है, लाग को अगर हम एक जगह कर देते तो आंसर थोड़ा सा हम लोग का छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि इसमें से हम 1/4 कॉमन ले लें। तो अगर हम 1/4 कॉमन ले लेंगे तो देखिए 1/4 कॉमन, कॉमन लेने का मतलब जो कॉमन लेता है उससे भाग दिया जाता है, तो यहाँ भाग दे देंगे तो 4/2 यानी 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 log x प्लस 1 और प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1। हम केवल log वाले को एक जगह कर रहे हैं और फिर ये हो जाएगा माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां यहां 2 है ना, तो आपको मालूम है कि m का पावर n का अगर लॉग होता है तो m log n हो जाता है। इसको हम यहां चाहें तो पावर पे कर सकते हैं, ये 2 हो गया और ये जो 3 है इस 3 को भी हम यहां चाहें तो इसका क्यूब कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, log mn होता है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा log mn हो जाएगा। ये हो गया आपका x प्लस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अगर आप चाहते तो 1/4 को पूरे का पावर भी ले जा करके लिख सकते हैं 1/4, लेकिन छोड़ दीजिए, तो जितना ही सॉल्व करेंगे अगर आप यही छोड़ देंगे तो आपका सोल्यूशन निकल गया है। अब फिर ये हो जाएगा माइनस 1/2 और ये हो गया tan इनवर्स यक्स प्लस 1। हम यही रहने देते हैं, अगर और आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आप बढ़ सकते हैं, ये 1/4 ये पूरे का पावर हो जाएगा और पावर करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो है ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व होता है। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? Yes, पूछना नहीं है ना कुछ? No, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को दिया हुआ है यक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी यक्स इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1। और देखिए यहाँ भी जो शर्त दिया हुआ है वो दिया है वाई इज इक्वल टू 0 यदि एक्स इज इक्वल टू 2, यानी जब यक्स के जगह पे 2 होगा तो वाई की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। चलिए यहाँ भी हम लोग एक तरफ करते हैं, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/x x^-1 हो जाएगा। इसका भी फैक्टर आप कर दीजिए ना, तो 1/x एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 हो जाएगा और दूसरे में एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और फिर जो है डी एक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ आपका डी एक्स और फिर यही इंटीग्रेशन कर दिया जाए। लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए इसको भी हमें आंशिक भिन्न पे तोड़ना होगा। तो चलिए देखिए 1/x x^-1 x+1 तोड़ दीजिए इसको आंशिक भिन्न पे, फिर क्या मिलेगा आपको, a/x b/x-1 c/x+1 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/x x^-1 x+1 इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा x x^-1 x+1। यक्स से डिवाइड करेंगे तो x-1 × x+1 बचेगा, तो a मल्टीप्लाई कर देंगे तो x²-1 बचेगा। अब x-1 से भाग दे देंगे तो यक्स और x+1 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका b और यक्स का गुणा करके लिख रहे हैं x²+x हो जाएगा। और इसके बाद हम c ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस वन से भाग देंगे x x-1 बचेगा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं सी और ये हो जाएगा x²-x।
अब इसके बाद क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और फिर देखें वन इज इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स। फिर चलिए सॉल्व करते हैं, तो वन इजकल टू एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ उसको एक साथ ले लेते हैं, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, फिर ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम x को ले लेते हैं तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस सी एक्स, यानी x कामन ले लेंगे तो b माइनस सी एक्स हो जाएगा। और फिर कांस्टेंट बच रहा है यहाँ पर, कांस्टेंट है माइनस a। चलिए कंपेरिजन करेंगे अब हम लोग, तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट मिला है वो ए प्लस बी प्लस सी मिला है, तो इधर कोई इधर एक्स स्क्वायर है नहीं है तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स का कॉफिशियंट बी माइनस सी, इधर भी एक्स नहीं है तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस ए की वैल्यू वन, यानी ए इजकल टू हो जाएगा माइनस वन। ए की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस बी प्लस सी इजकल टू जीरो, यानी बी प्लस सी इजकल टू हो जाएगा, यहाँ देखिए बी प्लस सी इजकल टू वन हो जाएगा, बी प्लस सी इजकल टू वन। और यहाँ जो आप देख रहे हैं देखिए ये बी प्लस सी है और ये आपका बी माइनस सी इजकल टू जीरो, सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस बी टू बी हो जाएगा और टू बी इजकल टू हो गया वन, तो बी इजकल टू हो गया वन बाई टू, और बी की वैल्यू वन बाई टू रख देंगे तो फिर यहाँ पर मिलेगा आपको सी की वैल्यू भी मिल जाएगी वन बाई टू, सबकी वैल्यू रख दीजिए, ए के जगह पे यहाँ माइनस वन होगा और बी के जगह पे वन बाई टू होगा और सी के जगह पर भी वन बाई टू होगा। चलिए इसको अलग अलग हम कर लेते हैं और अलग अलग करके लिख लेते हैं इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा वन डी वाई इजकल टू, देखिए ये मिलेगा माइनस ए की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका 1 बाई टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस वन डी एक्स हो जाएगा, और फिर थर्ड वाले पार्ट को हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस वन डी एक्स हो जाएगा। इसको हम चाहें तो इरेज कर सकते हैं, चलिए इसको हम इरेज कर दिए और इसके बाद आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा y इजकल टू माइनस वन अपान एक्स का ले लेंगे तो log x हो जाएगा, ये हो गया log x प्लस वन बाई टू, इसका भी कर लीजिए log x माइनस वन हो जाएगा, log x माइनस वन हो जाएगा और प्लस हो गया वन बाई टू, अगर इसका हम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका log x प्लस वन हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और अगर सॉल्व कर दें तो देखें क्या मिलेगा हमको, ये जो 1 बाई टू है इस 1 बाई टू को यहाँ पावर में कर देते हैं, इस 1 बाई टू को यहाँ पावर में कर देते हैं, और पावर का मतलब पावर 1 बाई टू करेंगे इसका मतलब रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स माइनस वन और ये भी हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब इसको एक जगह कर लीजिए तो ये हो जाएगा, अच्छा देखिए इंटीग्रेशन हुआ है तो कांस्टेंट सी यहाँ जुड़ेगा, अब ये हो जाएगा y इजकल टू, और देखिए ये जो माइनस है ना इस माइनस को भी हम यहाँ कर देंगे तो x इनवर्स हो जाएगा, और x इनवर्स का मतलब हो जाएगा आपका x इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 बाई x। अब चलिए सबको हम एक जगह कर देते हैं, तो सबको एक जगह करेंगे तो लॉग के रूप में करेंगे, सब प्लस प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग, देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो, और ये नीचे आपका आ जाएगा एक्स और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट सी। अब यहाँ से सी की वैल्यू हम लोगों को निकाल लेनी है कंडीशन अप्लाई करके, जो कंडीशन दिया हुआ है एक्स के जगह पे टू हो जाएगा, वाई के जगह पे जीरो कर दीजिए, एक्स के जगह पे टू और वाई के जगह पे जीरो, देखिए लॉग अंडर रूट एक्स के जगह पे टू,
टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा, फोर माइनस वन, और फिर यहाँ हो जाएगा टू, और प्लस हो गया सी, यानी क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा लॉग और ये अंडर रूट थ्री बाई टू प्लस सी हो जाएगा, यानी सी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस लॉग अंडर रूट थ्री बाई टू हो जाएगा। अब सी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आपका सोल्यूशन निकल जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, और c की वैल्यू आप कर देंगे माइनस लॉग अंडर रूट थ्री बाई टू। अब इसको भी चाहे तो आप एक जगह कर सकते हैं, ये लॉग m माइनस लॉग n है, लॉग m अपॉन n हो जाएगा, तो इसको कर लेंगे तो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप भी आप चाहे तो कर सकते हैं, y इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग, देखें ये है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, और अपॉन इसको कर देंगे तो ये भी रूट के अंदर है, ये हो जाएगा। अच्छा इसको हम रूट के अंदर ही रहने देते हैं, तो रूट के अंदर रहेगा तो एक्स स्क्वायर होगा, और फिर इसको हम रूट के अंदर कर देंगे तो ये थ्री बाई टू हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा वाई इजक्वल टू लॉग, और देखिए रूट के अंदर इकट्ठे हम एक जगह कर देते हैं तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉल्व करेंगे टू ऊपर चला जाएगा थ्री नीचे आ जाएगा, ये हो गया टू बाई थ्री। और या नहीं तो एक स्टेप और हम कर दें तो वाई इजक्वल टू हो जाएगा लॉग अंडर रूट टू, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर। अब जिस रूप में अगर चाहें तो इसको और हम कर सकते हैं, तो अब जो है ये दोनों रूट के अंदर ही है, रूट टू ऊपर चला गया है थ्री नीचे आ गया है, तो ये हो गया टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और नीचे हो गया आपका थ्री एक्स स्क्वायर। अच्छा देखिए एक थोड़ा सा संशोधन है, ये टू जो है रूट के अंदर नहीं था, तो अगर इसको हम रूट के अंदर कर देंगे तो ये फोर हो जाएगा, रूट के अंदर कर दिए तो फोर, ये हो गया फोर। अब जिस रूप में आपका आंसर दिया हो उस रूप में कर लीजिए, या आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ। समझ में आ गया सबको, आप लोगों को क्लियर हो गया ना? तो हाँ, तो चलिए जो है अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से ये जो क्वेश्चन बताए गए हैं ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।